यहाँ पर बैठे हैं रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के सुमेर गांव के अंदर। यहाँ पर आज किसानों की महापंचायत चल रही है और कल सागर के अंदर खेजरा माफी के में जो बीना परियोजना के प्रभावित किसान हैं उनकी महापंचायत हुई थी। बीना परियोजना में 75 गांव डूब में जा रहे हैं और इन गांव के लगभग 50,000 लोगों को, किसानों को अब तक इस परियोजना की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और ना तो पंचायतों को बताया गया है कि क्या परियोजना है, कितना मुआवजा मिलेगा, पेड़ों का कितना मिलेगा और ट्यूबवेल का कितना मिलेगा, जल स्रोतों का कितना मिलेगा, ये कुछ भी बताया गया नहीं है। जो भू अर्जन कानून है जो इस समय देश में लागू है, वो कानून ये कहता है कि जो प्रभावित किसान हैं उनकी सहमति लिया जाना जरूरी है, ग्राम सभा का प्रस्ताव जरूरी है, लेकिन इस तरीके की ना तो कोई सहमति ली गई, ना कोई प्रस्ताव ग्राम सभा का लिया गया और ना ही लाखों पेड़ कटने से क्या असर पड़ेगा पर्यावरण के ऊपर, लोगों के जनजीवन के ऊपर, लोगों के जीविकोपार्जन के इंतजाम क्या वैकल्पिक किए जाएंगे, इसको लेकर के कोई भी सूचना जानकारी प्रभावित किसानों को नहीं दी गई है। और इसीलिए मैं जिस भी इलाके के अंदर गया हूं, सभी गांव के किसान ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते। जो लोग यहां पर उपस्थित हैं वो बताएं, आप लोग अपनी जमीन देना चाहते नहीं देना चाहते? आप अपनी जमीन नहीं देना चाहते? आप खड़ा करके बताइए कि आप अपनी जमीन नहीं देना चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते आप लोग अपनी जमीन? या अगर कोई कीमत मिल जाए तो देने को तैयार हो? तो यहां पर कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते। अब सवाल यहां पर यह है कि बेगमगंज के जो एसडीएम है वो ये कह रहे हैं कि मड़िया बांध के लिए कोई भू अर्जन की कार्रवाई नहीं की जा रही। कल राहतगढ़ के एसडीएम ने भी कहा कि मड़िया डैम के लिए कोई कार्रवाई भू अर्जन की नहीं की जा रही और चकरपुर को लेकर के धारा 19 के नोटिस दिए गए हैं। अभी रामपाल जी जो यहां के मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी, उन्होंने 14 करोड़ की सड़कों का, 9 करोड़ के पुल का एक उद्घाटन किया और गांव के लोगों ने पूछा कि जब ये डूब में आने वाला है तो आप इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि शासन अपना पैसा बर्बाद नहीं करता, ऐसी कोई योजना बनने वाली नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने 2 जुलाई को इस पूरे खुरई के अंदर जाकर के उन्होंने भूमि पूजन किया और भूपेंद्र सिंह जी जो गृहमंत्री है उन्होंने कहा कि ये दिवाली का दिन है। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि 75 गांव को उजाड़ करके, उनका जीवन बर्बाद करके कोई दिवाली नहीं मनाई जा सकती। भारत की संस्कृति है कि भारत की संस्कृति में अगर गांव के अंदर किसी की मौत हो जाती है तो वहां पर कोई त्योहार नहीं मनाता। तो 75 गांव को उजाड़ करके दिवाली मनाने की बात करना यह अनैतिक बात है और लोगों की जमीन अगर जोर जबरदस्ती से ले जाने की कोशिश करने का इरादा अगर सरकार का है तो वो गैर कानूनी है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं और वो निर्देश ये है कि जोर जबरदस्ती से भू अधिग्रहण अगर किया जाता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, मतलब वो रद्द हो जाता है। इस देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
दादरी के अंदर बन रहा था, जबरदस्ती किसानों की जमीनें ले ली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जमीनें वापस करवा दी क्योंकि जबरदस्ती जमीनें ली गई थी। मतलब पूरे देश में कहीं पर भी जमीनें जबरदस्ती लेकर के कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, ये साफ लिखा हुआ है भू अर्जन कानून के अंदर जो इस समय देश में लागू है कि अगर आपको कोई परियोजना बनानी है तो आपको सहमति लेनी पड़ेगी, उसका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आपको कराना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां के लोग संतुष्ट हों, जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। और अगर परियोजना शुरू हो जाती है तो उसके पहले संपूर्ण पुनर्वास का काम किया जाना जरूरी है। यहां पर कोई पुनर्वास की चर्चा ही नहीं है। जो गांव डूब रहे हैं, जो जमीनें जा रही हैं, जो लोग बेघर होने वाले हैं, उनको कहां बसाया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी एक भी किसान को पूरे 75 गांव में नहीं दी गई। दी गई है क्या? नहीं। किसी को भी जानकारी कोई नहीं दी गई है। तो जब जानकारी नहीं दी गई है तो पुनर्वास की बात तो बहुत दूर दूर तक कोई नहीं है, और इसीलिए सभी प्रभावित किसान मिलकर के इस परियोजना का विरोध करने का काम यहां पर कर रहे हैं, और एक ही नारा चल रहा है, वो सब नारा मेरे साथ लगाएंगे, बिना परियोजना रद्द करो, बिना परियोजना रद्द करो, बिना परियोजना